नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 50 और आपके साथ मैं सुम्बिका गुप्ता। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश में एमडी की परीक्षा के दौरान एक महिला डॉक्टर जिनका नाम शालिनी मिश्रा है, उनके साथ दिल्ली से आए एग्जामिनर एसएल यादव ने दुर्व्यवहार किया है, क्योंकि एग्जाम हॉल में वो तिलक लगाकर गई थी। ये खबर कोई आम खबर नहीं है, क्योंकि इस कारण उनका पूरा एग्जाम खराब गया है। वही आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त शालिनी मिश्रा जी जुड़ चुकी है। तो सबसे पहले शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो शालिनी जी, आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर शालिनी मिश्रा एम्स ऋषिकेश में डीएम पेन मेडिसिन कर रही हूँ, और मेरा अभी 4 दिसंबर को उसका फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम था डीएम पेन मेडिसिन का। तो उसमें 2 इंटरनल एग्जामिनर होते हैं, 2 एक्सटर्नल होते हैं। तो उसमें से एक एक्सटर्नल दिल्ली से आए थे, प्रोफेसर एसएल यादव सर जी। तो एग्जाम से पहले ही जब एग्जामिनर आते हैं तो हाय हेलो करने आते हैं प्रैक्टिकल होने से, शुरू होने से पहले। और उसी समय वो आकर मुझसे कहते हैं कि ये तिलक क्यों लगाया है, मतलब क्यों लगाया है, मतलब ये तिलक लगाया है क्या, पूजा करके आई हो? तो मैंने कहा टोका तो मैंने कहा कि हाँ। तो वो बोले कि तुमको ये लगता है कि ये तिलक वाला भगवान तुम्हें फेल होने से मुझसे बचा लेगा? तो मैं कुछ बोली नहीं। उस समय एग्जामिनर से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद बीच एग्जाम में भी उन्होंने मुझे ये टोका कि ये तिलक मतलब क्या, रोज पूजा करती हो कि आज ही पूजा करके आई हो? तो मैंने कहा सर रोज पूजा करती हूँ। तो कहते अगर रोज पूजा करती हो तो मुझे अपने मोबाइल में सेल्फी दिखाओ पूजा करते हुए। तो मैंने कहा कि सर जब मैं पूजा करती हूँ तो सेल्फी नहीं लेती, जनरली कोई भी पूजा करते हुए सेल्फी नहीं लेता होगा। तो मतलब अगर वो आप पर्सनल मुझे गाली दे देता तो चल जाता, लेकिन एक मतलब एक भक्त के टीके पे, जैसे एक मतलब मैरिट के लिए सिंदूर उसका निशान होता है, वैसे एक भक्त के लिए उसके इष्ट का ये तिलक मतलब चिन्ह होता है। तो इस तरह से एग्जाम शुरू होने से पहले ही मेरी आस्था पे इस तरह से ठेस लगा देंगे तो क्या मैं अपने मतलब सही दिमाग से एग्जाम दे पाऊंगी? एग्जाम देने से पहले ही आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि मैंने तिलक लगाया है इसलिए मैं फेल हो जाऊंगी? जी जी, आपका कोई पहले से कोई कनेक्शन था इन जो प्रोफेसर थे वहां पे, जो एग्जामिनर नॉर्म में हाई थे एग्जामिनर, उनसे पहले से कोई आपका ताल्लुकात था, आप जानती थी पहले से उनको? हाँ, मैं जानती थी। वो मतलब वो वहां मैंने वहीं से एम्स दिल्ली से ही अपना एमडी किया है, और ये जो मेरी डिग्री है एमडी से ऊपर की डिग्री है ये। तो पहले कभी आपकी उनसे बहस हुई हो? हाँ नहीं, उनसे कोई मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। वो मेरे गुरु हैं, मैं उनको अपने पिता की तरह मानती भी थी, लेकिन सिर्फ तिलक पे पता नहीं। अब मैं बता ही नहीं पा रही हूँ कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तिलक पे कोई ऐसे बोलेगा, क्योंकि मतलब तिलक पे बोलने का तो मेरा एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि कोई तिलक पे भी ऐसे बोल सकता है जी। और उन प्रोफेसर का पहले और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनके साथ कैसा बिहेवियर है उनका? देखिए मैं इस पे तो कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि वो क्या बिहेवियर था उनका, लेकिन अब उस समय उन्होंने जो मेरे साथ किया, जो मुझे मेरी आस्था पे एकदम ठेस मार गया, जो एग्जाम होने से पहले ही आपको पता नहीं है मैं क्या करने वाली हूँ, मेरी कॉपी चेक करने में क्या नंबर आएंगे, अब एग्जाम से पहले ही मुझसे कह दे रहे हैं कि तुम्हें फेल होने से तुम्हारा ये भगवान नहीं बचा पाएगा। तो मतलब जी हाँ, मतलब आप तिलक देख के ये मतलब तय कर ले रहे हो कि फेल करना है। तो अभी आप क्या इंसाफ चाहती हैं, क्या चाहती हैं कि क्या इस पे उठाया जाए कदम? देखिए मैं तो ये चाहती हूँ कि आगे से किसी के साथ इस तरह की घटना ना हो कि उसके आस्था पे आघात किया जाए, क्योंकि आप मुझे गाली दे देते मैं फिर भी सह लेती, लेकिन मेरी आस्था पे आघात आप कर रहे हैं, आपको क्या पता किसकी आस्था किसके लिए कितनी जरूरी है? जी, एक तरफ हम कहते हैं कि सेकुलर इंडिया है, जो चाहे उस धर्म को वो फॉलो कर सकता है, एक तरफ ये अपने ही धर्म पर उंगली उठा रहे हैं, इस पर क्या कुछ आप बताना चाहेंगी बाकी जो और भी जो प्रोफेसर वगैरह हैं? मैं सबको यही संदेश देना चाहूंगी कि पहली बात तो किसी की पर्सनल लाइफ पे, पर्सनल आस्था पे प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, और दूसरी बात है कि जब मेडिकल का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, प्रैक्टिकल से पहले बच्चे को ऐसे इमोशनली हरेश नहीं करना चाहिए। तो वो अपना मतलब वो अपने दिमाग से काम तो कर सके। आप एग्जाम से पहले ही सुबह उसको मेंटली हरेश कर दे रहे हो,
किसी भी रीजन की वजह से। और पहली बात तो तिलक पे वो मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं तिलक लगाऊं ना लगाऊं, पूजा करूं ना करूं, रोज पूजा करूं या सिर्फ एग्जाम वाले दिन पूजा करके आऊं, या फिर आप रिटर्न नोटिस निकालो भाई, एग्जाम में जो आएगा वो तिलक लगा के नहीं आएगा, पहले रिटर्न नोटिस दे दो भाई। और एग्जाम में इस तरह की बातें एक जो छात्र होता है उसके मन को बहुत आघात करता है, क्योंकि वो एग्जाम देना जा रहा है, उसकी तैयारी वो करता है। आप छात्र को ये कह दे रहे हैं कि तुमने तिलक लगाया तुम्हारा भगवान तुम्हें फेल होने से, मतलब आप तिलक देख के डिसाइड कर ले रहे हो कि आप एग्जाम में उसको फेल कर दोगे, और ये बात उससे कह भी रहे हो जी। आपने कहां कहां अभी तक शिकायत की है, कोई रिस्पॉन्स आपको अभी आया हो? अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। मैंने अपनी डायरेक्टर मैम को रिटर्न एप्लीकेशन दी है, अपनी डीन मैम को रिटर्न एप्लीकेशन दी है, मैंने प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को के पोर्टल में भी ये रिक्वेस्ट डाली है इसके लिए, और लेकिन अभी मुझे इसका कोई रिस्पांस नहीं मिला है, मतलब ना ही मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ पूछा है अभी तक, ना मुझे कोई अभी नोटिस मिला है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इस बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकती ये लोग क्या कर रहे हैं जी। तो आप क्या चाहती कि अभी क्या मतलब एक्शन लिया जाए इस पर, तुरंत क्या हो, क्या कार्रवाई क्या की जाए इस प्रोफेसर के साथ? भाई वो तो ये एडमिनिस्ट्रेशन अपना लीगल इश्यू समझेगा, मैंने तो मेरे साथ जो गलत हुआ है मैंने वो बोल दिया है कि किसी के साथ ऐसे हरेशमेंट ना करें, और आगे से या तो जो है आप एग्जाम में कोई एक डिकोरम मेंटेन रखिए, एक कोऑर्डिनेटर कमिटी बनाइए कम से कम, कि जो देखे कि बच्चे के साथ फेयर किया जा रहा है, उसको इमोशनली हरेश नहीं किया जा रहा है एग्जाम से पहले, आप या तो एक कमिटी बनाइए जो ये डिसाइड करे कि भाई एग्जाम में आपको जो है फेयर तरीके से एग्जाम लेना है, और बच्चे को एग्जाम से पहले इमोशनली हरेश नहीं करना है, और ये जो पर्सनल आस्था पे कभी वार ना करें जी। इससे पहले भी मैं बताना चाहूंगी कि एमपी में आठवीं क्लास के बच्चे को, क्योंकि वो तिलक लगा के जाता था, उसे स्कूल के बाहर पीटा गया था टीचरों द्वारा, काफी से केसेस आते हैं सुनने में कि तिलक लगाया है तो उसे पीट दिया, बहस हो गई किसी के साथ, तो इस पर क्या कदम उठाया जाना चाहिए, क्या मतलब किसी की आस्था पर कोई ऐसे सवाल कैसे खड़ा कर सकता है? नहीं मैं तो, मुझे तो ये लोगों ने जैसे मेरे सीनियर्स थे कि तुम अगर इस तरह से तिलक पे टिप्पणी करोगी तुम मीडिया में जाओगे तो तुम्हारा आगे का करियर ब्लॉक हो जाएगा, ये सारे सीनियर लोग हैं तुम्हारे इंटरव्यू में आएंगे, तुम्हें मतलब तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा मीडिया में जाओगे। मेरा ये मानना है मेरे जो आराध्य हैं, मेरे जो इष्ट हैं, मैं उनके तिलक पे उन्होंने सवाल उठाया तो मेरा करियर ब्लॉक हो जाए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये सच सब तक पहुंचे कि मेरे साथ ऐसा किया गया है, मेरी आस्था पे आघात किया गया है जी। मैं एक बार आपसे विनती करना चाहूंगी कि आप एक बार वो लाइन रिपीट कर दीजिए कि क्या हुआ था, पूरे विस्तार में थोड़ा आप दर्शकों को बता दें। विस्तार से यही तो बता रही हूँ, सुबह आते ही मतलब मिलते ही बोला है ये तिलक, अच्छा पूजा करने लगे हो, तुमको लगता है ये तुम्हारा तिलक वाला भगवान तुम्हें फेल होने से बचा लेगा उससे? और फिर बीच एग्जाम में फिर से कहते हैं कि रोज पूजा करती हो कि सिर्फ आज ही पूजा करके आई हो? अच्छा मैंने कहा रोज पूजा करती हूँ, रोज पूजा करती हूँ तो सेल्फी दिखाओ फोन में। मैंने कहा सर रोज पूजा करती हूँ, इस बात मतलब मैं पूजा करते हुए सेल्फी क्यों लूंगी? आपको सेल्फी दिखाने को कहा गया कि आप सेल्फी दिखाइए फोन में? हाँ जी जी। जैसा कि हमने सुना अभी शालिनी मिश्रा के दौरान उनके साथ क्या हुआ है, उनको प्रोफेसर ने किस तरह का क्या सेंटेंस बोले हैं जो कि काफी शर्मनाक है, ऐसे कोई छात्र इतना मतलब परीक्षण करने के बाद एग्जाम देने जाता है ताजे मन से कि मैं भगवान में आशा रखता हूँ तो मैं भगवान को याद करके एग्जाम अपना शुरू करता हूँ, और उन्हीं पर इतना बड़ा तंज कस दिया है जो प्रोफेसर है हमारे एसएल यादव शालिनी मिश्रा पर, इतना बड़ा विवाद उन्होंने विवादित टिप्पणी उन्होंने दी है। तो शालिनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं आज के हमारे इस लाइव डिबेट में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आप कुछ बताना चाहें, आपकी क्या मांगे हैं आगे इसको लेकर? मेरी यही मांग है कि भाई वही मैंने जो बोला कि बच्चों को जो है एग्जाम से पहले सही टेंशन फ्री एनवायरनमेंट दिया जाए, और किसी की पर्सनल आस्था पे इस तरह से वार ना किया जाए बस जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया।